अरे मैंने कहा था उस पर निगाह रखो, उसको बांध के रखो। गजब हो गया यार, लड़की है, उड़द दस्तरी है, फिर भागे ना। अरे काहे खटखट मचाए हो, कौन है भाई, का है? क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सावन कुमार। इंस्पेक्टर साहब, बात है, पुलिस इंस्पेक्टर आए तो वो कुछ पूछना चाहते हैं। अब साहब तो है नहीं, आप ही कुछ बता दें। अच्छा तो क्या मैं डरता हूँ क्या? चल 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 करो। बंगला तो बहुत बड़ा है जी। मैंने कहा बंगला तो बहुत बड़ा है जी। सही कह रहे हैं आप, ये बंगले का मालिक भी बहुत बड़ा है, ये छोटे छोटे लोग रहते हैं यहाँ। तुम भी यहीं रहते हो? नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये मेरे अंकल का बंगला है, वो कनाडा गए हुए हैं। आपके यहाँ कैसे आना हुआ जी? मैंने सुना है इस बंगले का जो मालिक है उसकी जो बेटी है वो लापता है। क्या नाम है उसका? काजल। काजल नाम है साहब, रात को यहाँ थी, सवेरे न जाने कहाँ गायब हो गई। साहब तुम सब लोगों ने मिलकर किया उसे। मेरा नाम है सावन कुमार, CBI ऑफिसर, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। बोल अंकल के भतीजे, क्या प्लान रचाया तूने? बोल। पहले आप बताइए, आप यहाँ कैसे आ गए हैं? हमने तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। हम पुलिस वालों के पास कुत्ते भी होते हैं जो सुनकर बता देते हैं कि कौन किधर गायब है। हट, हट। ये सुनने वाले पहली बार देख रहा हूँ दो पैरों पे, लगता भेष बदल के आए। और मुझे बताओ कि तुम सब लोगों ने मिलकर काजल को किधर गायब किया है? हम शरीफ आदमी जे। अरे साहब हम लोग पहले से परेशान हैं, आप और परेशान मत कीजिए। आप काजल जी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग जो... जी मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? आप ही की तलाश में आई है। अरे आप तो आ गई। अरे आ गई। तुम कहाँ चली गई थी बिटिया? मैं जरा टहलने चली गई थी और टहलते टहलते जरा दूर निकल गई थी चाचा। चाचा इसका मतलब ये हम सबको पहचान ना रही है? आपका दिमाग खराब है, ये सब क्या बातें हो रही है? अयो सामे, बेबी का भूत उतर गया जे। भूत आप पे चढ़ा है रामा। कुकु ये सब क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ होना था हो गया है। आप आई, बाहर आ गई। साहब आप अपने कुत्ते को ले जाइए, मेरा मतलब है आप अपनी टीम को ले जाइए। काजल जी तो आ गई। थैंक यू जी। देखिए मैं इनका बयान ले रहा हूँ अकेले में। अच्छा, तब तक आप सब लोग यहीं खड़े रहिए। जी जी जी, आइए मैडम। अच्छा। ये समझ, अली बाबा की तरह तू गुफा में दाखिल हो गई है। बस उस अंकल के आते ही खुल जा सिम सिम बोल और सारा पैसा लेके दौड़। लेकिन मामा, उस बुड्ढे के आने से पहले उसकी बेटी आ गई तो मेरा क्या होगा? अगर उसको आना होता तो आप तक आ जाती। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने आदमी से बोलता हूँ कि बंगले के बाहर नजर रखे। तू बस एक काम कर, तू अंदर के बंदों पर नजर रख और खास तौर से उस बुड्ढे के भांजे कुकु है ना, उस पर, उसको आग का बाटली में उतार ले। मुझे वो चालू पुर्जा लगता है। मामा तो तुम्हारे भांजी कुछ कम है क्या? उसे तो मैं इस तरह बॉटल में उतारूंगी, आप देखते जाओ। चलो अब यहाँ से फूट लो। भैया ये कतरा बकत हो गया, इंस्पेक्टर साहब अभी तक बाहर नहीं आए। तो क्या मैंने भेजा? उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, कुछ पूछो तो कुछ जवाब देती है। लगता है उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मैं फिर आऊंगा जी। आप जरूर आइए, आपके सारे सवालों का जवाब मेरे अंकल जी देंगे, उनकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग है। अरे स्ट्रांग तो हो भाई, कह रही कितने बड़े वकील है, हमार केस लड़े तक हुए हमार। कब तक आएंगे वो? जी वो एक दो दिन में आ जाएंगे। ठीक है, मैं दो दिनों के बाद आता हूँ। उनसे कहिएगा कि इंस्पेक्टर सावन कुमार जी आए थे।